हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज आपको सेट नंबर 4 दृष्टि आईएएस का कोचिंग का बुक से आपको लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं दृष्टि बुक से सेट नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कर्म अनुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। ए में है संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, दो में मौलिक कर्तव्य, थ्री में है नागरिकता और चार में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपको 1, 3, 4, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसको हम देखेंगे विशेष रूप से, तो आपको संघ और उसका कार्य क्षेत्र जो है देखेंगे, ये संविधान के भाग आपको 1 में है। मौलिक कर्तव्य आप देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य भाग आपको 4 का A में है। नागरिकता देखेंगे तो ये भाग आपको 2 में है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे तो ये भाग आपको 4 में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किसने कहा है भारत एक अर्धसंघनात्मक राज्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केसी व्हीलर ने कहे हैं। किसने कहा है भारत एक अर्ध संगनात्मक राज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी, केसी व्हीलर ने कहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 आपको केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद कर सकता है। आपको मौलिक अधिकार में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत, क्या अनुच्छेद 368 के तहत कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 38 सीटें आरक्षित हैं। कथा बिहार राज्य विधानसभा में कुल 243 सीटों में 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आपको एसी के लिए 38 है और एसटी के लिए 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, लोकसभा में उपचार समिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में उपचार समिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ए में है, ए में प्रारंभ में यह तदर्थ समिति थी, दो में है केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के किसी सदस्य को अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, थ्री में है यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। नीचे दिए कोड को उपयोग कर उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको चुनने का रहा उत्तर को, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, केवल 1 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ए में है, इनको पहली बार संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। दो में है, इनको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। थ्री में है, मौलिक कर्तव्य के अनुपालन के आधार पर या उसकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। आपको एक और दो आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। दो में है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी। आपको एक और दो दोनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पश्चिम बंगाल में हम सीटों की संख्या देखेंगे तो आपको 295 है। आपको बिहार में 243 है। आपको मध्य प्रदेश में 231 है, जबकि तमिलनाडु में आपका 235 है। इस प्रकार आपको पूछा है कि विधानसभा सर्वाधिक, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी मामले 1960 में कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। बंबई बना यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः आपको इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253 के तहत बना सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू सोडुलूशन सोडियुलूट प्रयाज कानून कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, 1996 में पारित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, संविधान में उल्लेखित पश्चिमी तथा छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक कार्यकारी अधिकार संघीय सरकार का होता है। दो में है, इसके तहत जनजातीय सहकारी परिषद का गठन किया जाता है।
3 में है। इनके तहत राज्यपाल स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको 1 और 2 सही नहीं है। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटाया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। काजी प्रमुख सलाहकार, ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर नहीं पूछा है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। गयासुद्दीन सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एवाज ने धारण की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका उत्तराधिकार कृष्णदेव द्वितीय था, ये आपको असत्य पूछा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नयनार संतों का संकलन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हल की संख्या। अकबर के शासनकाल में दक्कन में हल की संख्या भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को पलसट ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जहांगीर के शासनकाल 1605 से 27 में विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पलसट ने भारत की यात्रा की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है। तो ए में है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का हो जाएगा आपको 4, एक्सला सैफिल की संधि का अंत। बी में है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसका हो जाएगा प्रथम पेरिस की संधि के से अंत हुआ। सी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसका हो जाएगा 3 अनिर्णायक युद्ध होगा। डी में है प्रथम मैसूर युद्ध, इसका 2 हो जाएगा, ब्रिटिश की हार हुआ था। इस प्रकार इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 का 4, B का 1, C का 3, D का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में विद्रोह का केंद्र है, सूची 2 में दमन करता है। आपको इसमें मिलाना है। तो ए में है दिल्ली, तो दिल्ली से किसने दमन किए, दमन करता कौन था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोलसन हडसन थे। बी में है कानपुर, तो कानपुर से किसने दमन किया, तो इसको दमन करता था, तो आपको
थ्री होगा कैंपबेल, सी में है झांसी, तो झांसी से किसने किया था, तो झांसी से आपको दो हो जाएगा हीरोज, और डी में है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का हो जाएगा ब्रिगेडियर जनरल नील। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक का ए, बी का तीन, सी का दो और डी का चार होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन एस तथा दूसरे कथन आर कहा गया है। कथन एस में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वता संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आर में है वारन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। कथन एस कथन कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन एस की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ए में है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, दो में धार्मिक ग्रंथों के व्याख्यान के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्यपुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है। ए में है इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा था, दो में है उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली परिवेशिका थी। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल आपका दो आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। मैडम एच पी ब्लांस्की की थियोफिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, या सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी, ये आपका सत्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में बनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। भारत में लोक सेवाओं के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक में है कॉर्नवालिस ने लोक सेवाओं का भारतीयकरण कर दिया क्योंकि ये कम खर्चीली थी एवं भारतीय परिस्थितियों व परंपराओं के अनुरूप थी। दो में लोक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्त की संकल्पना को 1853 में चार्टर एक्ट द्वारा लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए एस और दूसरे कारण आर कहा गया है। कथन एस में 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण आर में है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी।
नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन एस तथा कारण आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर कथन एस की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम ए जिन्ना ने समर्थन किया था। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यद्यपि राजस्व अहिंसा में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व में कटौती की जाएगी, प्राधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। कांग्रेस द्वारा विभाजन को स्वीकार किए जाने के पीछे दिए गए कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में है अंतरिम सरकार की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाना, दो में है सांप्रदायिक दंगों की बारंबारता में वृद्धि। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। सत्यकामा जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छंदोक उपनिषद में उल्लेखित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल ग्राम वीस जन और राष्ट्र में आपको बढ़ते क्रम में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। वैदिक काल में दुहित शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेटी के लिए हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वैदिक काल में परिवार में गाय के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इसलिए इस काल में बेटी को दुहित अर्थात दुहने वाली कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यपनीय किसका एक संप्रदाय था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म का था। यपनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित पुस्तकों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। आपको एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक है। ए में है सौंदरानंद, तो सौंदरानंद हो जाएगा आपको 3, अश्वघोष हो जाएगा। बी में है कामसूत्र, तो इसका हो जाएगा 4, वात्सायन हो जाएगा। सी में है अभिज्ञान संकुंतलम, तो इसका 1, कालिदास हो जाएगा। डी में है 10 कुमार चरित्र, तो इसका हो जाएगा 2, डंडी। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1 का 3,
बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। एरिथियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल सागर के लिए प्रयोग किया जाता था। एरिथियन लाल सागर के लिए इस्तेमाल होने वाला ग्रीक नाम था। यह पेरिप्लस ऑफ एरिथियंस का एक भाग है जो आनम ग्रीक नाविक द्वारा निर्मित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। गुप्त शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ए में है इलाहाबाद का प्रशासनात्मक अभिलेख स्कंद गुप्त की विजयों का वर्णन करता है। दो में है दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ पर खुदी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का कीर्ति वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मातवलिन ने दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। राजपूत साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में राजपूत साम्राज्य ने अपभ्रंश भाषा के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। दो में एलोरा के शैलकृत शिव मंदिर राजपूत शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। थ्री में यह साम्राज्य अपने धार्मिक विचारों में असहिष्णु था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, केवल 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है मिथिला के किस कर्नाट वंशीय शासक ने बख्तियार खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव ने आपको अधीनता स्वीकार किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। महात्मा गांधी एंड विहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, महात्मा गांधी एंड विहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, अतः राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल हिलाल को संपादित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1882 में हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोनी पटना मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर आपको प्रदर्शित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन कंपनी शैली के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना कलम जानी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 53 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, तो आपको ए में है बेतवा, तो बेतवा हो जाएगा आपका 2, यमुना नदी पर है। बी में है छिपरा, तो ए आपको चंबल हो जाएगा 1। सी में है वेनगंगा, तो वेनगंगा हो जाएगा आपको 4, गोदावरी। डी में है तवा, तो ए हो जाएगा नर्मदा आपको। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दो में है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीका एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के किस भाग में कलाकूट तृतीयक टर्शियर कोयला क्षेत्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत प्रदेश में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए भार ह्रास युक्त कच्चा माल है। दो में है स्थानीय अनुकूलता को कच्चे माल संचालित कारकों से बाजार संचालित कारकों में स्थानांतरित कर दिया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अंठावन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बकरवाल राजस्थान और घुमंतू, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि बकरवाल जनजाति हिमालय क्षेत्र मुख्यतः जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो मुख्यतः बकरी और भेड़ चराने का कार्य करती है। कहां से? ये जे एंड के से है। इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। महासागर की खड़ी काट की तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैलोकलाइन को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्वत वृत्त के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारणों में सम्मिलित है। ए में है भारी वर्षा, दो में उच्च अपेक्षित आर्द्रता, 3 में है मेघाच्छन्न आकाश,
फोर में डूल ड्रम की स्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, एक दो तीन और चार आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, टू में है मीथेन, थ्री में नाइट्रस ऑक्साइड, फोर में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 3 2 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों और उसका विवरण से मिलान करना है। तो मिलान करना है, ए में है धारवार चट्टान प्रणाली, तो धारवार चट्टान प्रणाली हो जाएगा 3। सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। बी में है विंध्य चट्टान प्रणाली, तो इसका 1 हो जाएगा। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। सी में है क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली, तो इसका हो जाएगा आपको 4। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शेल इस चट्टान प्रणाली के हैं। और डी में है तृतीयक चट्टान प्रणाली, तो इसका 2 हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो राइट आंसर आपका ए होगा, 1 का 3, B का 1, C का 4, D का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, निम्न में से बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूंगा रेशम आपको पंजीकृत नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार के किस जिले में गोगविल बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कटिहार में आपको रिजर्व अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, रेलवे जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 935 आपको बाल लिंगानुपात है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, यदा कदा समाचारों में रहने वाला नेक्स्ट कार 90 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की देशज रूप से विकसित प्रथम कैंसरोधी CAR T सेल थेरेपी है। कार टी सेल थेरेपी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन है और सूची 2 में संबंधित अन्वेषण है, आपको इसमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर ए में है आपको ओरिसिस एपेक्स, तो ये ओरिसिस एपेक्स आपका जो है देखना है कि किस कहाँ के संबंधित अन्वेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, ओरिस जो है आपका ये आपका सी हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह एपोफिस है। बी में है आपको स्लिम मिशन, तो स्लिम मिशन आपको क्या है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, चंद्रमा। सी में यूरोपा क्लिपर, तो ये होगा यूरोपा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 का 3, B का 2, C का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के स्थान पर उपयोग हेतु विकसित किया जा रहा है। दो में है इसमें ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन के साथ अर्थ क्रायोजोनिक प्रमोदक की सुविधा होगी। उपरोक्त कथनों में कौन सही है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, क्षुद्र ग्रह डिकिनेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। दो में है नासा के लूसी अंतरिक्ष यान द्वारा पता लगाया गया है कि डिकिनेस का एक सेलम नामक चंद्रमा है। उपरोक्त कथनों में कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों में या तो कोई दोषपूर्ण जीन की उपस्थिति होती है या फिर उनमें कुछ जीन अनुपस्थित होते हैं। दो में हेमोफीलिया विकार से ग्रस्त व्यक्ति हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में असमर्थ होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अत्यधिक दीर्घ दूरी को मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष समान 9.46 × 10^15 मीटर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति से गतिमान कणों पर न्यूटन के गतिकी नियम लागू नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का नियम लागू नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इसमें है अति फ्रीजर का बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। कारण बर्फ का दुर्बल चालक है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट को सहायता से कीजिए। इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, दोनों एस और आर सही है। एस का सही स्पष्टीकरण आर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, किस स्तर या डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 80 डेसिबल कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 77 है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, Thank you.
की वजह से। सही मारे हैं क्वेश्चन नंबर आपको 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सुरक्षा फ्यूज की कारखाने निम्नलिखित में से किस और किन पर निर्भर होता है? ए में धारा की चुंबकीय प्रभाव पर, दो में धारा का रासायनिक प्रभाव पर, थ्री में धारा का परिणाम पर, फोर में धारा का उष्मीय प्रभाव पर। नीचे दिए कूट को सही प्रयोग कर उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल चार आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है किसी पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, होल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सत्ता से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, परमाणु घड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में परमाणु घड़ी के संचालन का सिद्धांत नाभिकीय भौतिक पर आधारित है, दो में अपनी अत्यधिक सटीकता के कारण परमाणु घड़ियों का उपयोग आमतौर पर अंतरिक्ष मिशनों के लिए किया जाता है, उपरोक्त कथनों में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? ए में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलना, दो में बर्फ का गलना, थ्री में दूध अस्कंदन। नीचे दिए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तीन आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 84 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, सूची वन और सूची टू दिया गया है, सूची वन और सूची टू को मिलान करना है। तो आपको ए में ही केवलार, तो केवलार होगा आपको दो हो जाएगा, संश्लेषित रेशा है। बी में टेक्सॉल, तो टेक्सॉल होगा आपको
थ्री कैंसर रोधी दवा है। सी में जिंक फॉस्फाइड, तो जिंक फॉस्फाइड रोडेट नासी है। डी में नाइट्रोसेलुलोस, तो आपको वन होगा विस्फोटक है। इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा। एक का दो, बी का तीन, सी का चार और डी का वन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 85 देखेंगे। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 और 3 होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, बोल बौचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोग के प्रसार को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। आपको सूची वन और सूची टू दिया गया है। सूची वन और सूची टू में, सूची वन में जंतु है और सूची टू में संघ है, आपको इसमें मिलाना है। तो ए में है अस्केरिस, अस्केरिस हो जाएगा आपको थ्री हो जाएगा। सुप्त कृमि संघ नेमिटोडा है। बी में है मलेरिया परजीवी, तो मलेरिया परजीवी का आपको चार हो जाएगा, आदि जंतु प्रोटोजोवा होगा। सी में घरेलू मक्खी, तो इसका होगा सन्निपात संघ अर्थोपोडा हो जाएगा। और डी में है गाय, तो ये होगा वन स्तनी वर्ग मैमेलिया में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ए होगा। एक का तीन, बी का चार, सी का दो और डी का वन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 88 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए में उत्सर्जन, दो में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, थ्री में प्रजनन। उपयुक्त में से कौन सा सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षण में सम्मिलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक दो और तीन आपको सम्मिलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में यह कोशिका का बिजली घर है। दो में है इसमें दोहरी झिल्ली होती है। थ्री में इसमें अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। चार में यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको एक दो और तीन और चार आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। स्त्रियों में रोजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन समाप्त हो जाता है। कहता है एस्ट्रोजन का संबंध मासिक धर्म से है। मासिक धर्म आमतौर पर 9 से 15 वर्ष की आयु की लड़कियों में आरंभ होकर लगभग 50 वर्ष की आयु या रोजोनिवृत्ति तक चलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। वसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको ए में है कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है। दो में है वसाएं खाद में से कैल्शियम का अवशोषण करने में शरीर की मदद करता है। थ्री में है क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसाएं आवश्यक होती है। चार में है शरीर वसाओं में उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकता जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट में कर सकता है। नीचे दिए गए उपयुक्त में सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक और चार आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे।
निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियां हैं? ए में है निद्रा रोग, दो में मलेरिया, थ्री में लसिका फाइलेरिया, फोर में है रिफ्ट वैली ज्वार, फाइव में है पीत ज्वार, सिक्स में है जीका। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपका सभी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। फेरोमोन का संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो इसका सत्य नहीं पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये हार्मोन के समान है। फेरोमोन एक स्रावित या उत्सर्जित रसायन है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में सामाजिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है या हार्मोन से अलग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए में बीटी बैंगन, दो में बीटी कपास, थ्री में गोल्डन राइस, फोर में जीएस सरसों। उपरोक्त में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसलों को भारत में व्यावसायिक कृषि के लिए अनुमति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको केवल सी दो, आपको बीटी कपास की अनुमति प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। ग्रोथ इंडिया दूरबीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह दूरबीन लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO में स्थित है। दो में यह देश की पहली रोबोटिक दूरबीन है। थ्री में इसका लक्ष्य प्रकाश वर्षों से बहुत अल्प समय अवधि में घटित होने वाला ब्रह्मांडीय घटनाओं को दर्ज करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है। विदेशी व्यापार नीति FTP 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन में है FTP के तहत वर्ष 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए $10 ट्रिलियन के लक्ष्य की परिकल्पना की गई। दो में FTP ने निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर घोषित किए। थ्री में निर्यात दायित्व में चूक के एकमुश्त निपटान के लिए एक माफी योजना। फोर में है विशेष वोस्ट्रो खाते के माध्यम से रुपये की प्राप्ति के लिए FTP लाभ को बढ़ाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको 2, 3 और 4 पूछा है सही है, तो आपको 2, 3, 4 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। वाइब्रेट विलेजेज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है इसका उद्देश्य भारत के उत्तरी सीमा पर चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। दो में है यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको सही है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। एक मार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है सभी कृषि उपजों के लिए एक मार्क का प्रमाण चिन्ह अनिवार्य है। दो में एक मार्क प्रमाणन तैयार करते समय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में मौजूद मानकों पर विचार किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 हम देखेंगे। स्वयं सहायता समूह SHG के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए में यह एक ऋण लघु ऋण कार्यक्रम पर आधारित है। दो में
यदि किसी सदस्य को ऋण की आवश्यकता हो तो पार्श्विक ऋण की आवश्यकता भी होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है विशेष रसायन जैवीय सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार ए में है अस्कोमेट सूची का अनुसरण विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य इस सूची को सभी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं एवं अभिसमय की सूची के साथ श्रेणीबद्ध करना है। अस्कोमेट वस्तुएं द्वैत उपयोग वाली वस्तुएं हैं जिनका उपयोग प्रयोग नागरिक अनुप्रयोगों सहित व्यापक स्तर पर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अस्त्र के रूप में किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 है ग्रामीण विकास के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है इसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार लाना है। दो में है इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ाना है। थ्री में है यह आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण से शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करता है। फोर में है इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है। उपरोक्त कथन में कितने कथन सत्य हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको केवल एक दो और चार सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कल्याणकारी योजना में प्रारंभ से ही लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत मिशन में आपको सबसे अधिक है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन लाभार्थियों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसके तहत 11.7 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, नवीनतम आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार महिला श्रम बाल भागीदारी दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 37% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी चर्चा पत्र के अनुसार भारत के बहुआयामी निर्धनों की संख्या का अनुपात कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.28% है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में कौन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का गठन करते हैं? ए में है एकीकृत भुगतान अंतर फलक, दो में है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, थ्री में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, चार में है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। नीचे दिए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है वित्त वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र में खराब ऋण वृद्धि हुई क्योंकि भारतीय कृषि को नई चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। दो में है किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना ने किसानों को समय पर और सुविधाजनक ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, गैर निष्पादित अस्थियों नॉन परफॉर्मिंग असिस्टेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, वित्त वर्ष 2024 में कमजोर वित्तीय वृद्धि के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सकल गैर निष्पादित अस्थियां GNPA अनुपात में वृद्धि जारी रही। दो में है, ऋण को गैर निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 2 महीने की अवधि के लिए नहीं किया जाता है। थ्री में, कृषि के मामले में यदि लगातार 3 फसल मौसमों के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, मई 2024 में इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वीं रैंक थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, वित्तीय बाजारों के संदर्भ में T+1 निपटान चक्र का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संभेवा व्यापार तिथि के 1 दिन बाद निपटाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, 110 है, 2023-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP मौजूदा कीमतों पर कितने लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8.599 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 है, बिहार बजट 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा कई प्रमुख प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, इनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवा प्रक्षेत्र का शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है, बिहार में अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिला क्रमशः है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना और सीवर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2022-23 में बिहार में निम्नलिखित फलों के शीर्ष उत्पादक जिलों का क्रम सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार में आम उत्पादक शीर्ष जिला पूर्वी चंपारण, दरभंगा और वैशाली, ये सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि आम उत्पादक शीर्ष जिला दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली है, आपको पूछा है नहीं, तो इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICAL का उद्घाटन किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकोट में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, संपूर्णता अभियान संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आकांक्षी जिलों और खंडरों के प्रमुख संकेतकों पर आधारित परिपूर्णता प्राप्त करने से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, कोलंबो प्रोसेस का उद्देश्य क्या है। कोलंबो प्रोसेस का उद्देश्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार समुद्री रोजगार का प्रबंधन करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत के प्रथम पार समुद्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉरिशस में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपको जारी किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, मिशन कर्मयोगी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय लोकाचार पर आधारित एक सक्षम लोक सेवा बनाना, लोक सेवा बनाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है, 18वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद चुनी गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 74 महिला चुनी गई है। 18वीं लोकसभा में 74 महिला एमपी शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है, किस संगठन ने हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने जारी की है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, अटलांटिक संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में है, इस संधि पर 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। दो में है, भारत इस संधि का सदस्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको 122 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, इसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के नवाचार केंद्र द्वारा की गई है। दो में, इसका प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कोई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों IPS को जोड़कर सीमा पार भुगतान को संवर्धित करना है। थ्री में, यह भुगतान क्षेत्र में पहली BIS नवाचार केंद्र परियोजना है जो लाइव क्रियान्वयन के चरण में पहुंच गई है। फोर में, RBI नेक्सस परियोजना में शामिल हो गया है। उपरोक्त में से कौन सही उत्तर को चुनना है, तो चुनना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी, 1, 2, 3 और 4 आपका सभी सत्य। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट है, तो इसका क्या है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत बचत में वृद्धि से समग्र आर्थिक बचत में कमी आ सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का श्रेणी क्रम क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, भारत वर्ष 2023 में विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया है। इसका दूसरा देखेंगे, वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय 7% बढ़ाकर $2.43 trillion तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2009 के बाद सबसे तेज वार्षिक वृद्धि है। थ्री में है, चीन विश्व भर में सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है। नीचे दिए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
केवल दो आपका सही है। तो क्या है, वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय 7% बढ़ाकर 2.43 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2009 के बाद सबसे तेज वार्षिक वृद्धि है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में कौन बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवधेश नारायण सिंह नियुक्त हुए हैं बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडोर एयर पॉल्यूशन पर अध्ययन करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। बिहार के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय समग्र की श्रेणी के तहत भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में शीर्ष 10 में स्थान सुरक्षित किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर ने आपको स्थान सुरक्षित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिहार से US ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजनाथ झा को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। दो में है, यह एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल आपका दो सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। देश का 19वां NIFT राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगूसराय जिले में खोला जाएगा। क्या निफ्ट 19वां निफ्ट। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर का नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिल्सा के नाम से रखा गया है, हिल्सा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। बिहार सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग ने हाल ही में परिमार्जन प्लस पोर्टल का आरंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल का आरंभ किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा पर व्यय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार आपको शीर्ष पर है। विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों को छोड़कर बड़े राज्यों में उच्च शिक्षा पर व्यय के मामले में बिहार सबसे आगे है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का नाभिकीय रिएक्टर शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन ने शुरू किया है। चीन द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया, जिसमें एक सलम मॉड्यूल रिएक्टर AMRR निर्मित करना शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में इसका उद्देश्य परमाणु विखंडन को ऊर्जा के स्वच्छ हरित स्रोत के रूप में प्रदर्शित करना है। दो में है, भारत इस परियोजना का सदस्य देश नहीं है। उपरोक्त कथनों में कौन सही है जो पूछा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139 है, विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर JT-60SA का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान में उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नाम की ऊर्जा संयंत्र में 700 मेगावाट की क्षमता का भार का क्षमता का भारत का पहला और सबसे बड़ा स्वदेशी रिएक्टर हाल में परिचालित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको बी, काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो 700 मेगावाट की क्षमता वाले भारत का पहला और सबसे बड़ा स्वदेशी रिएक्टर हाल में परिचालित हुआ है। कौन? काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दोस्तों, आपको 141 से मैथ रीजनिंग शुरुआत होता है, यहाँ से आंसर बता दिया जाएगा, इसे आप स्वयं बना लें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं, इसका 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 142 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 143 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 60/19 दिन। क्वेश्चन नंबर 144 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 90/11 घंटे। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, 45, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। क्वेश्चन नंबर 50 है, समान प्रारूप का पालन करते हुए दी गई श्रेणी की तुल संख्या ज्ञात कीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50। साथ ही आपका दृष्टि BPSC का सेट प्रैक्टिस 4 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय।